अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे शहर के अंतर्गत आने वाले जिलाधिकारी कार्यालय की, जहां अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमकर हंगामा किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने थाली बजाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और इस आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। सरकार की उदासीनता के खिलाफ आंगनबाड़ी सेविकाएं पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी हैं। यही नहीं, ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उनकी मांगों को माना नहीं गया तो वो ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के आवास और उनके कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि 20 जून से लेकर 26 जून तक आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पदयात्रा का आयोजन किया है, जो यवतमाल से अमरावती तक निकाली जाएगी। उससे पहले 13 जून को ठाणे शहर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ठाणे के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर थाली बजाते हुए अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना, अपनी व्यथा को प्रकट किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय पूरे महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं और कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा है और उनका कहना है कि जितनी मेहनत वो करती हैं उनके मुताबिक उतना मेहनताना उन्हें नहीं दिया जाता। इससे पहले भी उन्होंने अपने मानधन को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से उनके आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं मिल पाया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का यह कहना है कि महाराष्ट्र में मानधन के रूप में उन्हें 8,500 रुपए मिलते हैं, वहीं उनकी मदद करने वाली सहायिकाओं को 4,500 रुपए मानधन के तौर पर दिए जाते हैं, जबकि केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर पंजाब, ऐसे राज्यों में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10 से 15 हजार रुपए वेतन के तौर पर दिए जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन बढ़ाया जाए और सेवा समाप्ति के बाद उन्हें आधा वेतन पेंशन के तौर पर दिया जाए, ऐसी मांग आंगनबाड़ी सेविका यूनियन के अध्यक्ष M.A. पाटिल ने की है। महाराष्ट्र मध्ये 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी आहेत आणि या सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना समजा सेविकांना 8,500 रुपये पगार मिळतो, मदतनीसांना 4,500 मिळतो, यांचं म्हणणं असं आहे की आता यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यायला पाहिजे। सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, या ग्रॅच्युटीला पात्र आहेत, याचा अर्थ त्या सरकारी कर्मचारी आहेत, तर या लोकांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला पाहिजे आणि त्याचा निर्णय होईपर्यंत भरीव स्वरूपाची त्यांना मानधनवाढ दिली पाहिजे, ही मागणी आहे। केरळामध्ये, तेलंगणामध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये, दिल्लीमध्ये, पंजाबमध्ये 10,000, 11,000, 12,000 रुपये पेमेंट मिळतं, तिथल्या लोकांना खूप कमी मिळतात त्याच्यापेक्षा। आणि आणखीन तेवढीच महत्त्वाची मागणी की यांना सेवा समाप्तीनंतर अर्ध्या पगारा एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली पाहिजे। आणि मागण्या आहेत, त्यांना मोबाईल दिले गेलेले नाहीत, पैशाची तरतूद केलेली आहे परंतु मोबाईल दिलेले नाही। आणखीन एक मागणी आहे की लहान मुलांना जो आहाराची रक्कम दिली जाते 8 रुपये, ही फार कमी आहे, ही वाढवली पाहिजे, तिपटीनं केली पाहिजे, कारण त्या 8 रुपयामध्ये काम ते देऊ शकत नाही आहे। मुलांचं जे काही पोषण होण्याकरता जेवढं काही खायला द्यायला पाहिजे तेवढं ते